हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्लीज इसे बचा लीजिए, इसे हॉलिडे होम रिसॉर्ट में कहीं बंद करके रखा है। इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। प्लीज जल्दी आइए, हॉलिडे होम रिसॉर्ट। अभी नहीं आया है। फिक्र मत करो, वो आता ही होगा। इंतजार करो, लेकिन तैयार रहना, वो कभी भी आ सकता है। लगता है कोई आ रहा है। आने दो उसे, हम तैयार हैं। देखते हैं ये वही है या कोई और। ये गाड़ी से कोई उतर क्यों नहीं रहा है? वेटर, गुड मॉर्निंग सर, लाइए मैं लेके चलता हूं। संभाल के। वही है ये, तैयार हो जाओ।
एक्सक्यूज मी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको रूम चाहिए? व्हाट अ सिली क्वेश्चन। अब रिसॉर्ट में आदमी रूम नहीं मांगेगा तो क्या रूमाल मांगेगा? एक जोक था। किस रेट के और कैसे रूम है आपके पास? मैं बताती हूँ सर। हेलो सर, मेरा नाम है वंदना, मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ। वंदना, काफी अच्छा नाम। मैं कर्नल कांत, मतलब कर्नल था, अभी रिटायर हो गया हूँ। आप अपनी तारीफ छोड़िए और बताइए किस तरह के रूम है आपके पास। करेक्ट सर। सर, हमारे यहाँ पर चार तरह के कमरे अवेलेबल हैं। नॉर्मल रूम। बस बस, फौज में कम बोलना कम सुनना ज्यादा समझना होता है, समझे? जी। मैं भी समझ गया। आपके यहाँ चार रूम है, नॉर्मल, लग्जरी, सुपर लग्जरी एंड स्वीट, है ना? करेक्ट सर। आप सबसे अहम सवाल जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, इन फैक्ट आई एम लिटिल फिनिकी अबाउट इट, दिस इज क्लीनलीनेस, स्वच्छता, सफाई। आपके इस रिसॉर्ट में साफ सफाई का क्या इंतजाम है? सर, इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टाफ जो है साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हैं। वी आर द बेस्ट हियर। ठीक है, फिर ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कौन सा कमरा लूं, ये वाला या ये वाला? कौन सा कमरा ठीक रहेगा मेरे लिए? साफ, सुंदर और थोड़ा सस्ता हो तो क्या बुरा है। जोड़ता, तुम इधर आओ। कब से खड़ा हूं मैं यहां पे? पानी के लिए नहीं पूछोगे? ओह माय बैड सर, पानी लेकर आओ वेटर, इमीडिएटली। सॉरी सर। कोई बात नहीं, या थोड़ा महंगा वाला ही ले लो। अभी सुमर में मैं पैसे बचा के क्या करूंगा? अपने स्वास्थ्य और अपने आराम का ख्याल मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इन फैक्ट दिस इज करेक्ट सर। थैंक यू। तो सर, फैसले लिया आपने कौन सा रूम लेना है? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट हम फौजी फैसला लेने में बिल्कुल देरी नहीं करते, सही समय पे ठोस फैसला करते हैं। तो क्या फैसला लिया सर आपने, कौन सा रूम पसंद आएगा आपको? लग्जरी, मुझे लग्जरी रूम चाहिए सारी सुविधाओं के साथ। ग्रेट सर, जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स, आपका रूम हम तैयार ही करने जा रहे हैं। तब तक क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में जाने की तकलीफ कर सकते हैं? हम वहाँ पर रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं। ओह यस, आई डोंट माइंड, दैट्स वेरी गुड। हे तुम, हमारा सामान सही तरीके से रूम में लेके जाएगा, ओके? यस सर। कर्नल साहब को रेस्टोरेंट में लेकर जाओ और जब तक इनका कमरा तैयार हो जाता है उसके बाद तुम इनका लगेज कमरे पे रखवा देना। ओके, दिस वे सर। चलो, प्लीज कम हियर सर। सी यू सर। Hey, तुम क्या साफ कर रहा है, है? ये गंदगी तुमको देखता नहीं है? फर्श ऐसा साफ होना चाहिए आईना के माफिक फेस दिखना चाहिए, क्लीन, समझे तुम? ये मुझे क्यों घूर रहा है? ये रहा सर हमारा रेस्टोरेंट। दिखता है दिखता है, इतना नंबर नहीं है मेरे चश्मे का। ये रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट नहीं, कुतुब मीनार समझूंगा। झूठा। बढ़िया सर। होल्ड इट। अब मैं जाऊं? जाओ, हाथ फैलाओ, अच्छे से धुल लेना, दो दो दरवाजे को हाथ लगाया तुमने। गेट लॉस्ट।
वेरी गुड वेरी गुड. ग्लव्स पहने हुए हैं? यस सर. वेरी गुड. थैंक यू सर. गोरे जा रहे हैं क्या चक्कर है? इसके पैर पे भी गन लगी है क्या? देखता हूं. हेलो, आई एम कर्नल खान. मतलब था अभी रिटायर्ड. हाय कर्नल, आई एम सुरेश. सुरेश, कब से हैं आप इस रिसोर्ट में? दो दिन से. एक्चुअली कहाँ? हाँ वंदना जी. एस कहिए. सर आपका कमरा रेडी है. ओके, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम. ये कहाँ गायब हो गया? ओके, काम होता रहेगा. लेट्स गो टू रूम. चलिए वंदना जी, आपसे एक बात कहूंगा, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं सर, बोलिए ना. एक्चुअली आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी समझदार भी हैं. ऊपर वाले ने आपको सूरत और सीरत दोनों दी है. इनफैक्ट ऐसा बहुत कम होता है, ब्यूटी विद ब्रेन. नहीं नहीं, यकीन कीजिए, आपके अलावा इस पूरे रिसोर्ट में मुझे कोई भी समझदार आदमी नहीं दिखा है. ना ही कोई सफाई पसंद. इनफैक्ट साफ सुथरे लोगों के साथ बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है. कर्नल साहब, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं. नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है. ये आपने बिल्कुल गलत कहा है. आपको ऐसे क्यों लगता है? देखो भाई, इसलिए क्योंकि आप अच्छी है, इसलिए आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है. क्योंकि रिसेप्शन में तो आप बहुत सख्त लग रहे थे, अभी बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं. इनफैक्ट मैं बाहर से ही सख्त हूँ. फौजी रहा हूँ ना. हम लोग अंदर से बहुत नरम होते हैं. इनफैक्ट हमारे दिलों में तो वो भरा होता है, वो जो होता है ना, वो प्यार भरा होता है एक्चुअली. आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है. वन्ना जी, आप मुझे देखना छोड़िए और ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी जी नहीं. ये अच्छा है. हाँ? मतलब ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है आपका. कितने कमरे होंगे इसमें? यही लगभग 35. सीजन का टाइम है तो सारे के सारे भरे भी होंगे. जी बिल्कुल. इनफैक्ट आप बहुत लकी हैं कि आपको बिना बुकिंग के यहाँ पर रूम मिल गया, नहीं तो यहाँ पर रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती क्योंकि आप यहाँ थी. अरे मोनिका, व्हाट इज दिस? देखकर नहीं चल सकती वो मैडम. कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया होगा. इट्स ओके, इट्स ओके. सो ये है हमारी हाउसकीपिंग इंचार्ज. अगर आपको कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो इनसे बोलिएगा. जरूर जरूर बोल देंगे. अभी आप जाइए. जी. किस तरफ? दैट वे. सो लगेज आपके कमरे में रख दिया है. एंजॉय योर स्टे. थैंक यू वन्ना जी, मुझे मालूम था आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए मैंने आपसे लगेज के बारे में पूछा ही नहीं. या सी यू सर. राजू, सारी सेलफोन लाइंस जैम कर दो. लेकिन मैडम, इस तरह तो अपनी भी सारी लाइनें जाम हो जाएंगी. हो जाने दो, मैंने कहा ना जाम कर दो तो जाम कर दो. नाउ. जी. कमरा तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कैमरे वैमरे तो नहीं लगाए हैं जासूसी के लिए? धूल है, कहीं धूल है. मुझे जरा भी धूल और गंदगी बर्दाश्त नहीं है. चेक करना पड़ेगा.
चेक करना पड़ेगा, धूल कहीं है। ये है धूल। क्या कर रहा है ये? अरे देख रहा रूम साफ है या नहीं। तो यहाँ कैमरा छुपा के रखा है। अच्छा बेटा, देखता हूँ। मोनिका ने मेरी जेब में क्या डाला था? इंस्पेक्टर अभिजीत, भाग जाओ यहां से, तुम्हारी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर अभिजीत है? ओह, तो वो लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं? इतना ड्रामा करके फायदा क्या हुआ? नहीं, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है कि वो लोग मेरे बारे में जानते हैं। अगर वो ड्रामा कर रहे हैं कर्नल कांत, तो तुम भी ड्रामा चालू रखो। सर, आप जी से दरवाजा भी नहीं खोल रहे और सुबह से फोन भी नहीं उठा रहा। सर कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत, अभिजीत कहाँ गया? ये खिड़की कैसे टूट गई? कल रात जब मैं यहां पर था तब तो खिड़की ठीक ठाक थी। मतलब मेरे जाने के बाद कुछ हुआ है? सर, अभिजीत सर कहीं भी नहीं है। प्लीज इसे बचा लीजिए। इसे हॉलिडे होम रिसोर्ट में कहीं बंद करके रखा गया है। इस बारे में मैं किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। प्लीज जल्दी आइए, जल्दी आइए। मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना इस लड़की को खतरा हो सकता है। तो ये बात है, इसलिए अभिजीत ने अपना मोबाइल बंद करके रखा है। लेकिन सर, किसी ने अभिजीत सर को इस तरह से क्यों बुलाया? मदद मांगने वाला ब्यूरो भी आ सकता था। ये भी तो हो सकता है कि मदद मांगने वाला ब्यूरो में आने की हालत में ना हो। ठीक है सर। हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन में इस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट अब तक लिखवाई नहीं गई है।
सब पता कैसे चलेगा कि ये लड़की है कौन? पता चल जाएगा। पता करो कि ये लोगो कहाँ का है। क्या अंकल, क्या ताकाशाकी हो रही है? अंकल, मैं आपको अंकल, बेटा, बेटा ये आपका रूम है बेटा? हाँ जी, ये मेरा रूम है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली वो क्या कि अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं नहीं, वो अंदर टीवी चल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली है वो क्या है कि मेरा कमरा थोड़ा ठीक नहीं है, मैं उसको बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई कमरा देख लेता। तो रिसॉर्ट के स्टाफ को बोलो ना, ये ताका झाकी जाइए यहाँ से। ऐसे भी मैं आपके उम्र का लिहाज करके आपको माफ कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम ना अगर यहाँ दिखे भी ना तो वो बुरा हाल करूंगी, समझ लेना। समझ गया बेटा, समझ गया। प्लीज बेटा आप जाइए, मैं समझ गया। मोनिका रुको, मोनिका कर्नल अंकल कहाँ जा रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मैं वो जरा किचन देखने आया था। अरे ये स्टाफ के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, अब वो क्या है यार, मुझे जो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। मैं ये देखने आया था ये जो रसोईया है वो सही तरीके का तेल और मसाला यूज कर रहा है कि नहीं। क्या है, अपनी सेहत का ध्यान आदमी को खुद रखना पड़ता है। अरे तुम भी तो सेहत वाले आदमी हो यार। देखिए आपको जो कुछ भी बात करनी है आप वंदना मैडम से बात करो। अच्छा वंदना मैडम से? हाँ जी वंदना मैडम। अच्छा ठीक, थैंक यू यार। हेलो रिसेप्शन, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बेडशीट से कितनी बदबू आ रही है, लगता है किसी रोड छाप साबुन से धुलकर मेरे बेड में बिछा दिया गया है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ के सारे कपड़े एक अच्छी लॉन्ड्री में धुलने जाते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छी लॉन्ड्री में जाते हैं और वहाँ से बाल लगा के भेज दिए जाते हैं? मुझे बेडशीट पे बाल मिला है, बाल, और बाल से मुझे एलर्जी है, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, मैं कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ, आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? सर सर आई एम रियली सॉरी सर, बात तो सुनिए एक बार। कुछ नहीं सुनना मुझे। कहाँ है आपकी वो हाउसकीपिंग इंचार्ज मोनिका? अभी भेजिए उसे मेरे कमरे में, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। श्योर सर, मैं अभी हाउसकीपिंग को आपके रूम में भेजती हूँ। क्या हुआ सर? मोनिका अंदर आइए, अंदर आइए। क्या चल रहा है मोनिका यहाँ पे? सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। ओह, शायद इसे देख के कुछ याद आ जाए। सर ये क्या है मुझे नहीं पता। ये चिट्ठी तुमने मेरी जेब में रखी थी, किससे मेरी जान को खतरा है?
और किससे डर रही हो तुम? देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे इन सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। मोनिका ये लड़की कहाँ है? इसकी जान को खतरा ये तो मालूम है तुमको? मुझे लगता है सर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मोनिका अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो इन लोगों के साथ तुम भी फंसोगी, समझे तुम? बात ये है सर कि मुझे लड़की मोनिका मोनिका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डांट निकल गया है, कुछ नहीं होगा तुमको, तुम लेट जाओ, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे, ओके? मोनिका 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 को छोड़, ये बताओ वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की सर? मुझे नहीं पता किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप। तुम सब जानते हो मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, पता है या फिर तो बता दो, बता दो। वो लड़की कॉटेज की तरफ के एरिया में है। कॉटेज में कहाँ पे है? वो नहीं पता सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो कॉटेज की तरफ के एरिया में, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब मैं जाऊँ। थैंक यू। अजय बंटी क्या पता चला उस फोटो वाली लड़की के बारे में? सर उस लड़की का नाम शीना है और वो लोगो रूटो क्यूब्स नाम के एक क्लब का है। क्लब वालों से बात की तुमने? जी सर, क्लब वालों ने बताया कि शीना कल से आई नहीं है और उनका फोन भी नहीं उठा रही है। अच्छा उसकी डिटेल निकाले तुमने, फोन नंबर, एड्रेस, उसके घर में कौन कौन है? जी सर, सर शीना के परिवार में कोई भी नहीं है, वो अकेली है। ओह, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या किसी लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ बताया क्लब वालों ने? सर क्लब वालों ने बताया कि शीना बहुत ही शांत और सीधी लड़की है, उसकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। काम करो उसके सारे फोन रिकॉर्ड्स निकालो, देखो अगवा होने से पहले उसने किस किस को फोन किए थे। झूला लड़की यहीं होगी।
जयवंती एक बार अभिजीत का फोन ट्राई करो। यस सर। सर अभिजीत सर का फोन अभी भी बंद आ रहा है। सर यहाँ बाहर भी कोई नहीं है और रिसेप्शन पे भी कोई नहीं दिख रहा है। अभिजीत का सूट कैसा है? जरा कमरा चेक करो। कैमरा? अभिजीत पे कोई नजर रख रहा था। सर? हाँ? सर बाथरूम में ये रस्सी मिली है। सर कहीं किसी ने अभिजीत सर को या अभिजीत ने किसी को यहाँ पे बांध के रखा होगा और वो आदमी ने ये रस्सी छुड़ा के यहाँ से भाग गया। लेकिन ये अभिजीत कहाँ है? किसी ने इस कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर दिया है। सर दूसरे विंग से कुछ पता नहीं चला लेकिन सर होटल के गोडाउन में एक कंप्यूटर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि किसी ने सारा डेटा डिलीट कर दिया है। जरूर वो फुटेज स्टोर्ड होगा जो सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया और इसीलिए उसने डिलीट कर दिया। कोई आदमी अभिजीत के पर नजर रखे होता ये बात वो जानता था इसीलिए उसने टॉवल डाल दिया कैमरे के ऊपर। लेकिन सर अभी अभिजीत सर को ढूंढेंगे कहां? ऊपर देखते हैं। किसी को बांध के रखा गया था लेकिन ये अभिजीत कहां गायब हो गया? ये क्या छड़ी? ये देखो इस पे कैमरा लगा हुआ है, कहीं स्टिक अभिजीत की तो नहीं? जरा फोन से कनेक्ट करो उसे। सारे किडनैपर के गैंग के लोग ही लगते हैं। शायद किसी कारण अभिजीत हमें ये फोटोज भेज नहीं पाया। जल्दी करो रे, बॉस ने 15 मिनट में पहुंचना बोला है। इसका मतलब है वो लोग अभिजीत को यहां से 15 मिनट की दूरी पे कहीं लेके गए हैं। चलो उठो, बहुत हो गया, बहुत इंतजार करवा लिया तुमने। चाहती हो तुम? तुम्हारी मौत। क्यों? मैंने क्या किया? प्लीज
बचा लो, प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, अभिजीत प्लीज मुझे बचा लीजिए। छोड़ो उसको। अच्छा छोड़ो, क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है? छोड़ो उसे। अभिजीत सर, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, बचाना चाहते हो ना, जाओ बचा लो। आ गई, किसी को मत छोड़ना, जाओ। भाग कर रही हो? हाँ,
अभिजीत, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अभिजीत, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था ये सब एक ड्रामा है, एक खेल, और इस खेल को रचने वाला खिलाड़ी ये लड़की शीना। ये क्या कह रहा तू? हाँ ये देखो, ना तो ये कोई एसिड है और ना ही ये लड़की कभी किडनैप हुई थी। ढोंग कर रही है, नाटक। शीना होल्ड। हाँ हाँ, ये मैंने किया है और ये सब मैंने इस अभिजीत से बदला लेने के लिए किया था। बदला? गन नीचे करो, जयवंती को छोड़ दो। आगे मत पढ़ना, आगे मत पढ़ना दया, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। मुझसे कैसा बदला है? मेरी बहन की जान खतरे में थी और मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम टाइम पे नहीं आए और उसकी जान चली गई। इसीलिए मैंने उस बंद पड़े रिजॉर्ट को किराए पे लिया और बहाने से मैंने वाइस अभिजीत को बुलाया, क्योंकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला इससे लेना चाहती थी। चुप! प्लान तो सभी बनाते हैं, लेकिन बुरी नीयत से बनाया गया प्लान कभी कामयाब नहीं होता। शीना, तुमने एक गलती कर दी। अगवा होने के बाद तुमने खुद फोन करके इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक कर दिया अपने ट्रैवल एजेंट से। ये कैसे हो सकता है? अगवा होने के बाद भी शीना के फोन से दो दो कॉल किए हैं। मुझसे गलती हो गई। मोनिका कहाँ है? मोनिका घर पे। ठीक है, अब तुम लोग भी अपने सही ठिकाने पे पहुंच जाओ, जेल में। भेजो इन सबको। भाई साहब, मेरा फोन नंबर वही है, मैंने नंबर बदला नहीं है। मुझे एक फोन कर सकते थे तुम। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? सब लोग कितने परेशान थे तुम्हारे वैसे मालूम है? एसीपी साहब पूछ रहे, सब लोग फोन कर रहे तुम्हें। हो क्या गया तुम्हें? ओ मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कौन? मैं गलती हो गई यार, आगे से कर दूंगा यार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.